शाहबाद के रामद्वारा के पास मिले शव की गुत्थी कोतवाली पुलिस ने सुलझा ली है। शातिर हथियारे ने इसे ब्लाइंड मर्डर का रूप देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कुछ घंटों में ही हत्या का पर्दाफाश करते हुए एक जने को गिरफ्तार कर लिया है। शाहबाद रोड सुसावन बस्ती में देशी शराब की दुकान के पीछे एक युवक की लाश मिली थी। पुलिस को युवक का सिर कुचला हुआ मिला था। शव की पहचान बैगना गांव निवासी संजू हरिचंद के रूप में हुई। कोतवाली पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है और अनुसंधान कर कुछ ही घंटों में हत्या के आरोपी प्रकाश कोहली को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के बाद पुलिस द्वारा गठित टीमों ने घटनास्थल के आसपास के लोगों से संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में वारदात के बारे में जो है पूछताछ कर वह तकनीक और वैज्ञानिक अनुसंधान की सहायता से प्रकाश निवासी सुसवान बस्ती 12 निवासी को घटना स्थल के आसपास देखा, जिस पर पुलिस ने प्रकाश को डिटेन कर पूछताछ की तो मुलजिम ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि मृतक संजू हरिजन शाहबाद रोड पर रामद्वारा के पास शराब के नशे में बैठा हुआ था। जब प्रकाश वहां से निकला तो संजू गाली गलौज करने लगा। प्रकाश ने जब गाली निकालने से मना किया तो संजू नहीं माना। प्रकाश ने गुस्से में आकर पत्थर को उठाकर संजू के सर पर पटक दिया, जिससे संजू के खून निकल आया और उसकी मौत हो गई। साथ ही पुलिस ने बताया है कि मुलजिम शातिर प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसके खिलाफ थाना कोतवाली में भी कई मामले दर्ज हैं। जो मुलजिम है वो शातिर अपराधी है। उसने उसका उस एरिया में पहले भी आपराधिक गतिविधि में वो संलग्न रहा है। वो सामान्य चलते हुए शराब पीने के बाद में किसी को गाली गलौज करना, किसी से छीना झपटी करना, शराब जेब तराशी करना, इस तरह उसका पेशा रहा है। तो जो मृतक था उसके और मुलजिम के बीच में कल किसी बात को लेकर खास नहीं हुई, आपस में गाली गलौज हो गया। तो दोनों के बीच में बहस आगे बढ़ने से और तनातनी होने से आवेशवश जो अभियुक्त है उसने मुलजिम अपना जो मृतक है उसका मर्डर कर दिया।